हेलो दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका अपने चैनल में मैं दीपक दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में पुरुष और महिला के पद हेतु विज्ञापन आने वाला है आपका होमगार्ड भर्ती का दोस्तों इसमें दोनों का है भी है दोनों का है पुरुष और महिला दोनों का है तो दोस्तों पहले महिला का विज्ञापन आएगा उसके बाद पुरुष का आएगा और दोस्तों आवेदन आ चुके हैं तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉर्म कैसे भरना है अपने होम गार्ड का तो जब आपका विज्ञप्ति आएगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा होम गार्ड का तो आप इस तरीके से भर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आवेदन पत्र उत्तराखंड होमगार्ड्स विभाग में होमगार्ड्स स्वयं सेवक पुरुष महिला के पद पर चयन हेतु तो दोस्तों सबसे पहला है अनुक्रमांक रोल नंबर केवल कार्यालय प्रयोग हेतु तो इसे कार्यालय वाले भरेंगे आपको नहीं भरना दोस्तों भर्ती केंद्र का नाम यहाँ पे भर्ती केंद्र का नाम है अगला दोस्तों अभ्यर्थी का नाम हिंदी में तो आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है फिर अंग्रेजी में अपना नाम लिखना है पिता और पति का नाम पिता का नाम लिखना है नहीं तो पति का नाम लिखना है प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है कर रही है कर रही हो तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपने प्लाटून का नाम लिखना है अपना जो जिला जहाँ पे आपने पेपर देना है वहाँ पे नाम लिखना है आपको और दोस्तों हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का स्वहस्ताक्षरित फ़ोटोग्राफ अभ्यर्थी के यहाँ चिपकाएँ तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो चिपकाना है साइन करके अगला दोस्तों स्थाई पता यहाँ पे आपको अपना स्थाई पता लिखना है जो आपका स्थाई पता है अगला है पत्र व्यवहार का पता तो यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता रखना है कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्थाई में क्या लिखें और पत्र व्यवहार पर क्या लिखें तो दोस्तों जो आपका स्थाई है वहाँ पे आपको स्थाई में वो लिखना है परमानेंट वाला और पत्र व्यवहार वाला जहाँ पे आप करंट में अभी हैं और अगर आपका सेम है तो आप दोनों में सेम भी लिख सकते हैं दोस्तों अगला दोस्तों जन्म तिथि हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर तो जो आपके हाई स्कूल में जन्म तिथि है वो आपने लिखनी है यहाँ पे अंकों में लिखनी है यहाँ पे शब्दों में लिखनी है आपकी जो आयु है एज है वो कैलकुलेट की जाएगी एक सात दो हजार तेईस को आयु तो यहाँ पे आपको अपनी आयु लिखनी है वर्ष माह दिन अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला दोस्तों नागरिकता तो आपको अपनी नागरिकता लिखनी है इंडियन धर्म लिखना है आपका जो भी आपका धर्म है जाति लिखनी है आपको तो दोस्तों अगला है अभ्यर्थी का व्यवसाय तो अभ्यर्थी का व्यवसाय लिखना है आपका शारीरिक माप अभ्यर्थी द्वारा ना भरा जाए तो ये शारीरिक माप है ये आपके आपको नहीं भरना है जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो वहाँ पे वहाँ पे भरा जाएगा आपका चेक करके आपके सीने का माप बिना फुलाए और फुलाने पर ऊंचाई सेंटीमीटर में सब वहाँ पे चेक होगा ये आपको नहीं भरना है दोस्तों ग्यारहवा पॉइंट है दोस्तों इस स्थानीय दो व्यक्तियों का नाम व पता जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हों लेकिन उनके रिश्तेदार ना हों और जो चाल चलन के बारे में जानकारी दे सके। तो दोस्तों आपको दो स्थानीय व्यक्तियों के नाम लिखने जो आपके रिश्तेदार न हो जो आपके बारे में बता सके उनको कि आपका बिहेवियर कैसा है आपका आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है कुछ भी जानकारी वो पूछ सकते हैं तो रिश्तेदार नहीं होना चाहिए उसका नाम पता उसका मोबाइल नंबर फिर दूसरे का सेम अगला दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट अंतिम शिक्षण संस्थान प्रधान द्वारा चरित्र सत्यापित प्रमाण पत्र जहाँ विभ्यार्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो तो आपको अपना चर, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है आपने जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है चाहे ग्रेजुएशन किया चाहे बारहवीं की आपने तो वहाँ से लिखा के लेके आना है अथवा राजपत्रिक अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जाए या आप राजपत्र अधिकारी से भी करा सकते हैं तो वो भी चलेगा दोस्तों अगला यदि अभ्यर्थी निम्न में से किसी श्रेणी का हो तो उसे अंकित करें तथा यहाँ पे आपको अपनी श्रेणी अंकित करनी है दोस्तों यहाँ पे आपको टिक मानना है आपके पास दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए ऊर्धव आरक्षण आपके ऐसा अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो टिक मारेंगे अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा दोस्तों और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए उसके क्षतिज आरक्षण भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उत्तराखंड के अनाथ बच्चे तो जो भी है दोस्तों आप इसमें टिक मारेंगे अगला है दोस्तों आपका अन्य आहारताओं के संबंध में अभ्यर्थी के अनुसार निम्न श्रेणी को अंकित करें तथा संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें तो आपके पास अगर ये कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको जमा कर सकते हैं दोस्तों आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास एन का है या एन का है या स्काउट गाइड या हो, होम गार्ड्स विभाग के वैतनिक अवैधनिक सदस्य हैं तो आप ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और बच्चों से एन सी सी बी या एन एस एस स्काउट गाइड्स यहाँ पे आपको टिक करना है एन सी 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 प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे करना है आपको होम गार्ड्स के अवैतनिक वैतनिक्स सेवने, सेवा सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्य के पुत्र अविवाहित पुत्री या पुत्री पति के लिए यहाँ पे टिक करना है आपको अगला दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता योग्यता क्या है आपकी हाई स्कूल है तो हाई स्कूल इंटर है तो इंटर या स्नातक है तो स्नातक तो यहाँ पे आपको टिक करना है अगला दोस्तों खेलकूद अगर खेलकूद का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है आपने जिला महाविद्यालय स्तर पर खिलाड़ी रहें तो टिक करना है मंडल विश्वविद्यालय का स्तर खिलाड़ी रहें तो टिक करना है राज्य स्तर का खिलाड़ी रहें तो टिक करना है तो दोस्तों आपको टिक तभी करना है अगर आपके पास इनके डॉक्यूमेंट्स हैं अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगला है वाहन चालक आपने भारी वाहन चालक हैं या हल्का वाहन चालक है टिक करना है फिर इसको पढ़ लेना आप दोस्तों मैं घोषणा करता हूँ यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और दोस्तों यहाँ पे आपका स्थान आएगा दिनांक आएगी और आवश्यक संलग्न जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे आवेदन पत्र पर आवेदन की हाल ही में खिंचाई गई स्वर हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए दोस्तों आपकी उसमें आपके साइन भी होने चाहिए इसके अतिरिक्त दो दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भर्ती के समय लाना आवश्यक है तो दो फोटो आपको पासपोर्ट साइज़ अपने जब आप भर्ती के लिए जाएंगे होमगार्ड्स की तो आपको लाना ज़रूरी है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा जाति स्वतंत्रता सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक पर्वतीय निवास स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त की स्व-परमाणिक छाया प्रति। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने आपने सेल्फ अटेस्टेड करके चरित्र प्रमाण पत्र एवं सरकारी और सरकारी विभाग से कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा चरित्र प्रमाण पत्र अगर आप सरकारी अर्ध सरकारी हैं तो वहां से आपको एनओसी लाना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अना पति प्रमाण पत्र और दोस्तों यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं होम गार्ड्स भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है समाज कल्याण विभाग के शासन आदेश संख्या 310 दिनांक 26 दो 2016 के कम में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु तो दोस्तों आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र होता है वो तीन वर्ष का होता है अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र को शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार लिया जाएगा तो तो दोस्तों उसकी आप वैलिडिटी चेक कर लेना आपका ई का या ओ का संबंधित जनपदों में गठित होमगार्ड्स भर्ती बोर्ड का लंबित मृतक आश्रितों को भर्ती को पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखें दोस्तों होमगार्ड होमगार्ड स्वयं सेवक से उनकी भर्ती के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी भर्ती बोर्ड का गठन तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाएगा तो गठन होने वाला भर्ती बोर्ड का तत्काल दोस्तों जमा फार्मों की स्थिति में प्रतिदिन अवगत कराया जाए आवश्यकता भर्ती हेतु तो अतिरिक्त कर्मियों की मांग करें होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के संबंध में भर्ती बोर्ड के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तो दिशा निर्देश दे रखे हैं दोस्तों भर्ती जो है नियमानुसार होगी एवं पारदर्शिता से संपादित होगी जी इसे जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी दोस्तों इसमें तो दोस्तों पहले महिला का आएगा महिला होमगार्ड्स भर्ती से संबंधित कार्य योजना भर्ती के चरण दो चरणों में होगी दोस्तों भर्तियाँ प्रथम और द्वितीय तो जान लेते हैं दोस्तों प्रथम चरण प्रथम चरण के जनपद हैं तो ये प्रथम चरण के जनपद हैं उत्तरकाशी, टीरी, पौड़ी, चमोली बागेश्वर उधमसिंह नगर और द्वितीय चरण के जनपद हैं आपके रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा चंपावत व थो पिथौरागढ़ तो दोस्तों यहां पे चरण दे रखे हैं प्रथम चरण और द्वितीय चरण समस्त चरणों में भर्ती की प्रस्तावित तिथियों एवं कार्य योजनाओं का विवरण तो दोस्तों तीन आठ तीन अगस्त दो हजार तेईस को समस्त चरणों की भर्ती हेतु तो विज्ञापन प्रकाशित होगा विज्ञापन तीन तारीख होगा 28 अगस्त को आपको आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि अट्ठाईस अगस्त को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है एक सितंबर को आपका प्रथम चरण वाले जनपदों की शारीरिक परीक्षा नापतोल होगी और पंद्रह नौ दो हजार को इनका रिजल्ट आ जाएगा प्रथम चरण वाले जनपदों का परीक्षा फल आएगा अगला दोस्तों आपका 22 नौ 2023 22 सितंबर 2023 को द्वितीय चरण वाले जनपद में शारीरिक परीक्षा होगी उनकी और 6 तारीख को द्वितीय चरण वाले जनपदों का परीक्षा फल घोषित किया जाएगा तो दोस्तों दो चरणों में होगी आपकी परीक्षा तो दो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्म भरना आ गया होगा किस किस तरीके से भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को शेयर कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और लोग फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना करें तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू